वेलकम बैक एंड नाउ डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें वो क्या बोलता है, गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो भी होगा इज 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 0.2। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ एंड पी अपॉन एफ। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है बेटा, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक कंडीशन होती है। जैसे आप फर्स्ट पार्ट को जब निकालेंगे तो जब भी आपसे आंसर पी अपॉन एफ का मांगेगा तो आपको प्रोबेबिलिटी देनी है जो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट एफ या इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। ये जो नीचे लिखा होता है ना, जैसे ई अपॉन एफ, इसका मतलब है ये ऑलरेडी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ई की हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो एफ इवेंट यहाँ गिवन होता है, ई का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो बनेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इनमें जो भी कॉमन होगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। जो गिवन होता है वो हमेशा नीचे आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें तो ऑलरेडी देख रखा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज 0.3। तो जब ये कैंसिल करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, सो पहला पार्ट बहुत ईजी था। जब आप इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे, अब आपको प्रोबेबिलिटी देनी है बेटा एफ अपॉन ई की। तो यानी इस बार ई इंटरसेक्शन एफ तो ऊपर ही रहने वाला है, लेकिन इस बार अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, क्योंकि इस बार ये गिवन है। ठीक है, तो अगेन यू कैन पुट द वैल्यूज, ई नॉट एफ इज अगेन 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की हमने यू कैन सी इज 0.6। ठीक है, और जब आप इन्हें कैंसिल करेंगे आपका आंसर आएगा 1/3। ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब चलेंगे अगले प्रॉब्लम पे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड नाउ वी डिस्कसिंग प्रॉब्लम नंबर 2। अब आपको इसमें कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.30। सो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था जो प्रोबेबिलिटी होती है ए अपॉन बी की, वो क्या होती है बेटा, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। जो इवेंट गिवन होता है या जो इवेंट अपॉन में होता है वो अपॉन में ही एज इट इज़ आता है। यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.32, पी बी आपको दे रखा है 0.5। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इस डॉट को हटाएंगे, यानी इस ज़ीरो को हटाएंगे तो नीचे दो ज़ीरो आएंगे, लेकिन इसको हटाएंगे तो एक ज़ीरो इधर भी आएगा। अल्टीमेटली कैंसिल होकर 32/50 हो गया। फर्दर अगर आप इसे कैंसिल करेंगे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 16/25 हो जाएगा। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आप अगर चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करना चाहेंगे है ना, तो आपको ये आंसर देगा लगभग 0.64। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलेंगे इसके थर्ड पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो आपसे बोलता है, अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ए की 0.8 है, पी बी की 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज 0.4 है, तो फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो हमें फॉर्मूला पता है, अगर हम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है बी अपॉन ए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ये ए यहाँ पे गिवन है आपको। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और अगर इसको निकालना है तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और फाइनली आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा बेटा, वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए आपको 0.4 दे रखा है, पी ए की वैल्यू आपके पास 0.8 है, और जब आप इन्हें इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.32। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। सो पार्ट नंबर 2 में आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आपको देना है। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँ तो पी ए अपॉन बी क्या होता है बेटा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी हमने बी फाइंड किया है इज 0.32, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें देखी थी जब आपने तो वो था 0.5, तो आपने यहाँ पे 0.5 रखा, और जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन इसको भी हम वैल्यू ये दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला पार्ट जो आपसे वो तीसरा पार्ट पूछ रहा है उसके भी चलते हैं। वो आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है ए यूनियन बी की, ठीक है। सो ए यूनियन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, इट्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमारे पास थी वो थी 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी वो थी 0.5, और ए इंटरसेक्शन बी की थी 0.32। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बनेगा 1.3 एंड दिस इज माइनस करके आएगा 0.98, ठीक है। सो दिस इज़ अवर आंसर एंड द क्वेश्चन इज प्रूव। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। सो अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है, आपको इवेल्यूएट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की, इफ़ ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज 2/5। तो इट्स वेरी इजी, अगर इस टर्म को मैं अलग अलग सेपरेट कर लूँ तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा इट्स 5/26, क्योंकि अगर इस 2 का इनटू मैं 13 से करा दूँ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी तो आपको 5/13 गिवन ही थी, ठीक है, और ए यूनियन बी तो हमारे पास निकालना है, ठीक है। सो ए यूनियन बी आपको पता है क्या होता है बेटा, इट्स पी ए प्लस पी बी एंड माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए हमारे पास है 5/26, पी बी हमारे पास है 5/13 माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अगर आपको पीछे फॉर्मूला याद है तो ये आपको एक वैल्यू दे रखी है पी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, क्योंकि जो बी नीचे है तो ये नीचे ही आएगा। यहाँ से जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी वही इसकी वैल्यू होगी। आप चाहें तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा है बेटा 2/5, पी बी का वैल्यू है आपके पास 5/13, 5 से 5 कैंसिल, तो ये बचा आपके पास 2/13, ठीक है। अब जब हम कैलकुलेशन में और आगे चले तो ये था आपका 5/26, ये था 5/13, और ये आपके पास है 2/13। तो जब आपने एलसीएम लिया 26 आपके पास एलसीएम आया, ये वन टाइम ही जाएगा तो 5 होगा, ये 2 टाइम्स जाता है तो 5 × 2 10 हुआ, ये भी 2 टाइम्स जाएगा तो ये 2 × 2 माइनस का 4 हुआ 15, 15 में से 4 गया तो 11। सो योर आंसर इज़ 11/26। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू।